शहरातील मुक्तीबाबा दर्ग्याजवळ एका व्यक्तीकडं वेपन असल्याची माहिती होती। त्यानुसार पोलीस दलाने सापळा रचून मोहम्मद अनवर अन्सारी या 23 वर्षीय व्यक्तीकडून गावठी बनावटी बंदूकीचा केलेला आहे। त्यानुसार आझाद नगर पोलीस स्टेशनला आज साहेब कायदा खात्यामध्ये गुन्हा दाखल केलेला आहे। आज माननीय कोर्टासमोर आरोपीला हजर केला असता 7 जुलैपर्यंत आरोपीला पोलीस कस्टडी देण्यात आलेली आहे। गेल्या 4 महिन्यामध्ये साधारणतः 6 गावठी बनावटीचे पिस्टल आत्तापर्यंत मालेगाव पोलीस दलाने जप्त केलेले आहेत। शहरामध्ये जास्तीत जास्त कारवाया करून अशा पद्धतीने जर कोणी इलिगल वेपन्स कॅरी करत असेल तर त्याच्याविरुद्ध पोलीस कडक कारवाई करणार आहे। इथून पुढे शहरातील लोकांनी भीती मुक्त वातावरणामध्ये राहावं, कसलेही मनामध्ये भीती न ठेवता स्वतःला सेफ मानून शहरामध्ये संचार करावा। परंतु त्याचबरोबर आपल्याकडे कसलीही अशा इलिगल ॲक्टिव्हिटीजबद्दल माहिती असेल तर ती माहिती पोलिसांपर्यंत पुरवावी, जेणेकरून आपल्याला अशा गुन्हेगारांवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करता येईल। धन्यवाद। गुन्हेगाराचं नाव नाही सांगितलं कल मालेगाव शहर में देर रात को पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति के पास कंट्री मेड पिस्टल है। तो मुंशी बाबा दरगाह के पास कल पुलिस ने ट्रैप लगा के उस व्यक्ति को पकड़ा, तो उसके पास से गावठी बनावटी की पिस्टल जब्त की गई है। उस आरोपी का नाम उसमें मोहम्मद अनवर अंसारी है, 23 साल उसकी उम्र है। आज ऑनरेबल कोर्ट के सामने उस आरोपी को पेश किया तो कोर्ट ने 7 तारीख तक उसको पुलिस कस्टडी दी है। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस निष्पन्न करेगी कि उसका मकसद क्या था, उसके पास वेपन कहां से आया, उसने कहां से ख़रीदा था। मालेगाँव शहर में पिछले 4 महीने में ये टोटल 6 वेपन पुलिस ने ऐसे बरामद किए हैं, और उसके बाद अगर कोई ऐसी गैरकानूनी कार्रवाई करेगा, हरकत करेगा, तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त रवैया अपनाएगी। मैं तमाम जनता से अपील करूंगा, आपके पास अगर कुछ ऐसी जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, तो वो पुलिस के साथ शेयर कीजिए ताकि पुलिस अपना काम कर सके।